हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय सिंह तंवर। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रिंटिंग गुरुजी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पेपर की डायरेक्शंस के बारे में। दोस्तों पेपर के जो ग्रेन्स होते हैं यानी कि फाइबर्स होते हैं उनकी पोजीशनिंग के हिसाब से इनकी दो डायरेक्शन डिसाइड की गई है। पहली होती है मशीन डायरेक्शन या ग्रेन डायरेक्शन और दूसरी होती है क्रॉस डायरेक्शन। इन दोनों डायरेक्शंस के बारे में आज हम इस एपिसोड में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इन डायरेक्शंस का हम पता कैसे कर सकते हैं। किसी भी पेपर का, किसी भी जीएसएम में किसी भी थिकनेस का पेपर हो उसका हम क्रॉस डायरेक्शन और ग्रेन डायरेक्शन कैसे मालूम कर सकते हैं। तो बिना देर करें जल्दी से हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाकर सबसे पहले पाएं नोटिफिकेशन हर वीडियो का। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि पेपर की क्रॉस डायरेक्शन कौन सी होती है और ग्रेन डायरेक्शन कौन सी होती है, या कहें तो मशीन डायरेक्शन कौन सी होती है। इसे जानने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। आप किसी भी पेपर, किसी भी जीएसएम का हो, किसी भी थिकनेस का पेपर हो, उसका अगर आपको क्रॉस डायरेक्शन और ग्रेन डायरेक्शन आपको पता करनी हो तो बहुत ही सिंपल तरीका है। आप इसको कहीं भी कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि पेपर की ग्रेन डायरेक्शन क्रॉस डायरेक्शन कौन सी है। यहाँ मैंने पेपर पर मार्क किया है ए डायरेक्शन, बी डायरेक्शन। ऐसे ही मैंने ये अलग अलग ए डायरेक्शन और बी डायरेक्शन को मार्क कर दिया है। ये मैंने इसलिए किया है ताकि हम पेपर की क्रॉस डायरेक्शन जब निकालेंगे तो हम एक हिस्से की क्रॉस डायरेक्शन निकालेंगे तो उसे क्रॉस चेक करने के लिए हम और दो हिस्सों की क्रॉस डायरेक्शन चेक करेंगे कि वो भी उसी डायरेक्शन में है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस पेपर को हाफ कट कर लेता हूं, ये और ये। तो अब हमने ये तो फर्स्ट पेपर हो गया। अब हम ऐसे ही इन दोनों में से भी हाफ कर लेते हैं और इसके टोटल थ्री पार्ट्स हो जाएंगे। तो हम तीन बार में कंफर्म हो सकते हैं एक पेपर से कि ग्रेन डायरेक्शन कौन सी है और क्रॉस डायरेक्शन कौन सी है। वैसे तो पेपर में पहली बार में ही हम कंफर्म हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है आपको सिखाने के लिए है, इसलिए मैं तीन बार इसको क्रॉस चेक करूंगा। तो ये हमारा फर्स्ट पेपर है और हम इसे अब इसकी डायरेक्शन को चेक करने वाले हैं। इसके लिए सीधा सा है कि पेपर की जो बैक साइड है, किसी भी साइड आप लगा सकते हैं वैसे, तो उसकी बैक में हम पानी को स्प्रेड कर रहे हैं, पानी को, ताकि इसको मॉइस्चर मिले और इसकी क्रॉस डायरेक्शन और ग्रीन डायरेक्शन मिल सके, हमें पता चल सके। अब देखिए जैसे ही हमने इसको पानी लगाया धीरे धीरे ये दो साइड से राउंड लेना शुरू कर दिया है, यानी कि इसके जो फाइबर्स हैं वो मॉइस्चर की वजह से स्प्रेड होना चालू कर हो गए हैं, यानी कि फैलना शुरू हो गए हैं। लेकिन वो एक ही डायरेक्शन में स्प्रेड होंगे जिस डायरेक्शन क्रॉस डायरेक्शन होगी हमारी। तो अब हम इसको पलटते हैं, ये और ये साइड राउंड हुई है तो इसका मतलब है कि ये क्रॉस डायरेक्शन है। अब हम इसे पलटते हैं कि हमारी कौन सी डायरेक्शन क्रॉस डायरेक्शन है। तो हमें पता चला कि ए डायरेक्शन जो है हमारी वो क्रॉस डायरेक्शन है। हम यहां लिख देते हैं कि ए क्रॉस डायरेक्शन है और बी ग्रेन डायरेक्शन है। ग्रेन हम फाइबर्स को कहते हैं जो हमारे पेपर में होते हैं, इसलिए इसे ग्रेन कहते हैं, यानी कि जो हमारे छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं उनसे पेपर बनता है जब, तो उसे ग्रेन कहते हैं और उसी की डायरेक्शन को ग्रेन डायरेक्शन भी कहते हैं। वहीं अब हम इससे क्रॉस चेक करते हैं हमारे दूसरे पार्ट से। पेपर के दूसरे पार्ट्स में जब हम पानी लगाएंगे तब पता चलेगा कि सच में ए डायरेक्शन से ही क्रॉस डायरेक्शन है या बी डायरेक्शन में है। अब यहाँ हम पानी को बैक साइड में इसके लगा रहे हैं, इसके लगाते ही आपको वापस से ही पेपर राउंड लेना शुरू हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए, आप देख रहे हैं कि ये राउंड लेना शुरू हो गया है। अब हम इसे फिर पलटते हैं और देखते हैं कि किस डायरेक्शन से राउंड लिया है, और ये देखेंगे आप कि ये ए साइड से राउंड होना शुरू हो गया। इसमें फिर से हम ए क्रॉस डायरेक्शन और बी ग्रीन डायरेक्शन हो गई है। तो ये दोबारा हमें पता चल गया कि ए में क्रॉस डायरेक्शन है। एक ही पेपर के तीन हिस्सों पर हम बार बार टेस्टिंग कर रहे हैं ताकि ये चीज क्लियर हो सके कि क्रॉस डायरेक्शन कौन सी है। फिर से हम बैक साइड में पानी लगा रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि जिस साइड ये राउंड हो रहा है, तो ये राउंड होने का जो दूसरा तरीका, जो अगर इसे पता करना है आपको, तो दूसरा तरीका ये भी है कि जब क्रॉस डायरेक्शन की आप लेंथ
चेक करने से पहले नापेंगे और पानी लगाने के बाद राउंडनेस के बाद नापेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रेन डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं होता है, क्रॉस डायरेक्शन में पेपर की लेंथ बढ़ जाती है पहले से। अब यहाँ फिर एक राउंडनेस इस डायरेक्शन में आ गई है, यहाँ भी आ गई, यहाँ भी आ गई है, और इसको हम पलटते हैं तो हमें पता चलता है कि ए डायरेक्शन में क्रॉस हो गया। यानी कि हमने तीन बार इस चीज़ को चेक किया और तीन बार में हमें ये मिला कि ए डायरेक्शन हमारी पेपर की क्रॉस डायरेक्शन है, यानी कि इस तरफ जो फाइबर्स हैं वो क्रॉस डायरेक्शन में हैं और इस तरफ से पेपर हमारा लेंथी हो सकता है अगर उसे मॉइस्चर मिलता है। इसीलिए किसी भी प्रिंटिंग प्रेस में एयर कंडीशन किया जाता है ताकि ह्यूमिडिटी कंट्रोल रहे, पेपर को, पेपर की जो क्रॉस डायरेक्शन है उसमें फाइबर्स ना फैलें। तो ये एक सिंपल सा तरीका है जिससे आप क्रॉस डायरेक्शन और ग्रेन डायरेक्शन पता कर सकते हैं किसी भी पेपर की। अब ये तो क्योंकि प्लेन पेपर है तो अब हम इसके, इसलिए हमने इसे पता चल गया कि भाई क्रॉस डायरेक्शन कौन सी है और इसकी ग्रेन डायरेक्शन कौन सी है। अब हम प्रिंटेड पेपर की मालूम करते हैं कि प्रिंटेड पेपर में ऐसा होता है या नहीं। प्रिंटेड पेपर के लिए मैंने न्यूज़पेपर लिया है तो न्यूज़पेपर में अब आप कैसे चेक करेंगे कि कौन सी ग्रेन डायरेक्शन है और कौन सी क्रॉस डायरेक्शन है। न्यूज़पेपर क्योंकि वेब फेड से प्रिंट होता है तो उसका जो प्रिंटिंग है वो मशीन डायरेक्शन होती है, यानी कि ग्रेन डायरेक्शन से ही प्रिंटिंग होती है ताकि पेपर में प्रिंटिंग को कोई भी दिक्कत ना हो पेपर की वजह से। तो अब हम इसके बैक साइड में पानी लगा रहे हैं, इसके लगाते ही हमें धीरे धीरे पता चल जाएगा कि हमारा जो ग्रेन डायरेक्शन है वो पेपर की कौन सी है और क्रॉस डायरेक्शन कौन सी है। किसी भी पेपर, प्रिंटेड हो, नॉन प्रिंटेड हो, प्लेन हो या कैसा भी पेपर हो, उसमें ग्रीन डायरेक्शन और क्रॉस डायरेक्शन का पता चल जाता है। जैसा कि इस साइड से और इस साइड से पेपर ने राउंडनेस लेना शुरू कर दिया है क्योंकि ये ग्रीन डायरेक्शन पेपर की होती है। ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ से ये राउंड होना शुरू हो गया है, यानी कि ये जो डायरेक्शन है वो क्रॉस डायरेक्शन है और ये जो है मशीन डायरेक्शन है। जब भी पेपर प्रिंट होता है तो इसी डायरेक्शन में वो प्रिंट होता है, पेपर जो है वो रील में इसी साइड से मशीन में फीड किया जाता है और जब पेपर बनता है तब भी इसी डायरेक्शन में ग्रेन्स इसमें पेपर में होते हैं। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल तरीका, आप कहीं भी किसी भी पेपर की कितने भी जीएसएम हो उसका क्रॉस डायरेक्शन और ग्रेन डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। इसीलिए ये बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है तो इसे आप कहीं भी कभी भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने ग्रेन डायरेक्शन और क्रॉस डायरेक्शन का पता लगा लिया। ये बहुत ही आसान तरीका है ग्रेन डायरेक्शन और क्रॉस डायरेक्शन पता करने का। तो दोस्तों अब सवाल आता है कि ग्रेन डायरेक्शन और क्रॉस डायरेक्शन का असल में इतनी इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों जरूरत है इसका पता करने की। दोस्तों कभी भी जब हम मशीन डायरेक्शन जिसमें पेपर मैन्युफैक्चर होता है और वहां से जब कटिंग होकर छोटी छोटी शीटों में ये इंडस्ट्रीज में आता है तब जब प्रिंटिंग की जाती है तो इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि पेपर की जो मशीन डायरेक्शन है उसी में प्रिंटिंग हो, ताकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है अगर इस चीज का ध्यान नहीं रखा जाता तो कई बार रजिस्ट्रेशन का जो मिलान है, यानी कि रजिस्ट्रेशन जो होते हैं CMYK का या कलर्स का जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है वो मिलान नहीं हो पाता, रजिस्टर एक जगह नहीं हो पाता। उस दिक्कत को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं पहले ही कि ये चीज दिक्कत ना आए, तो इसका जो आसान तरीका है वो ये है कि आप पेपर को प्रिंट करने से पहले ही उसकी ग्रेन डायरेक्शन और मशीन डायरेक्शन का आप पता कर लें। जैसा कि हमने प्रैक्टिकल में देखा कि कितनी आसानी से हमने ग्रेन डायरेक्शन और क्रॉस डायरेक्शन का पता कर लिया। अगर आपकी प्रिंटिंग मशीन डायरेक्शन में जो पेपर है उसी डायरेक्शन में आपकी प्रिंटिंग होती है तो वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है आपकी प्रिंटिंग के लिए। क्रॉस डायरेक्शन में जब मॉइस्चर अगर पेपर को मिल जाता है कहीं से या एनवायरनमेंट में जिस तरीके से बारिश का मौसम चल रहा है या आपके जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज्यादा हो गई है जिसकी वजह से पेपर में मॉइस्चर बढ़ गया है, तो इस चीज की वजह से कई बार पेपर की जो लेंथ होती है वो क्रॉस डायरेक्शन में बढ़ जाती है। वो इस तरीके से आप नॉर्मली देखेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन जब आप प्रिंटिंग करेंगे तब आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो पेपर है वो एक तरफ से रजिस्टर हो रहा है, यानी कि आपका जो जॉब है वो एक साइड से रजिस्टर होता है लेकिन दूसरी साइड से वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता। बहुत सारे एफर्ट्स आप करते हैं फिर भी वो एक डायरेक्शन से जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं होता और उसकी वजह से जॉब खराब हो जाते हैं। तो उसका जो मेन कारण है वो यही है कि पेपर जब मॉइस्चर ले लेता है तो उसकी वजह से क्रॉस डायरेक्शन में उसकी लेंथ बढ़ जाती है।
इसीलिए हमें जब भी प्रिंटिंग करनी होती है तो उससे पहले ये जरूर मालूम कर लेना चाहिए कि पेपर की मशीन डायरेक्शन कौन सी है और ग्रेन डायरेक्शन कौन सी है। तो दोस्तों इस एपिसोड में हमने जाना कि ग्रेन डायरेक्शन और क्रॉस डायरेक्शन क्या होती है और इसका क्या इस्तेमाल है। आगे आने वाले वीडियोस में हम जानेंगे कि पेपर में और क्या टेक्निकल चीजें होती हैं जिनका ध्यान प्रिंटिंग से पहले रखना जरूरी है और जिसकी वजह से प्रिंटिंग और अच्छी बेहतर हो सकती है। तो दोस्तों हर सोमवार शाम को 7 बजे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।